संस्कृति समाजी सेवा संस्थान ट्रस्ट भरूच अने जन शिक्षण संस्थान भरूचना संयुक्त उपक्रमे आत्मनिर्भर भारत अंतर्गत ब्यूटी एंड वेलनेस ब्यूटी पार्लर त्रिमासिक तालीम वर्ग बहनों माटे शुरू करवामां आव्यो। आ प्रसंगे जन शिक्षण संस्थाना नियामक श्री जैनुद्दीन साहेब साहेब दीपा मासी मुख्य मेहमान तरीके हाजर रह्या हता। जैनुद्दीन सैयद साहेबे संस्थाना विषयनी विस्तृत माहिती आपी आ कोर्स विशे जानकारी आपी विधि वितरित आ कोर्सनी शुरुआत करावी हती। दीपा मासी तालीमार्थी बहनों ने आशीर्वाद चन आपीने प्रोत्साहित कर्या। प्रसंगे संस्कृति ट्रस्ट ना स्थापक प्रकाश चंद्र पटेल प्रमुख भावना बेन सावलिया उप प्रमुख सविता बेन राणा सेक्रेटरी चैताली बेन शाह प्रोजेक्ट चेयरमैन उमा बेन शर्मा तथा संस्था ना सभ्यों हाजर रह्या हता। जेनो समग्र संचालन संस्कृति ट्रस्ट ना स्थापक हिमाबेन पटेल द्वारा करवामां आव्युं। भारत सरकार ना कौशल्य विकास अने उद्योग साहसिकता मंत्रालय द्वारा G20 अंतर्गत भारतीय माननीय वडाप्रधान श्री नरेन्द्र भाई मोदी साहेब ना मार्गदर्शन हेठ समग्र देश में स्किल ट्रेनिंग संस्थाओं तथा जन शिक्षण संस्थान ना माध्यम थी युवाओं ने तालीम आपी आत्मनिर्भर बनावा माटे नी कवायत हाथ धरवामां आवी। त्यारे जन शिक्षण संस्थान भरूच द्वारा बहनों तथा युवाओं ने विविध कौशल्यों की तालीम आपी आ कार्य ने गति आपवामां आवी रही छे अने रोजगारों की तको पूरी पाड़वामां आवी रही छे। शुभ मुहूर्त में जिस प्रकार हिमाबेन यूजी केयर असिस्टेंट की ट्रेनिंग का शुभारंभ करने जा रहे हैं, इस अवसर पर उपस्थित संस्कृति समाज सेवा ट्रस्ट के प्रमुख भावनाबेन प्रोजेक्ट चेयरमैन मैडम वाइस चेयरमैन मैडम हिमाबेन प्रकाश भाई और मेहमान जो आए हैं दीपा मासी के साथ, मैं ये आप सबको विदित करना चाहता हूँ कि जन शिक्षण संस्थान भरूच के माध्यम से संयुक्त रूप से संस्कृति सेवा समाज के द्वारा भरूच के इस शहरी विस्तार में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का एक स्वप्न है। हम अपने देश का जो युवा धन है, जो 15 से 45 वर्ष की आयु के पुरुष और महिलाएं हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं, उन सभी को एक साथ हम आगे लेकर चलें और उन सभी का देश के प्रति योगदान हो, उन सभी को अपने अपने हुनर पर विश्वास हो और सभी अपने आप में एक हुनरमंद व्यक्ति के रूप में अपने आप को प्रस्थापित करें, जिसके आधार पर वो अपनी अपने परिवार की अपने आसपास के लोगों की जो ज़रूरतें हैं जो नीड्स हैं उनको वो परिपूर्ण कर सकें। इनकी उपस्थिति में मैं एक आपको विशेष बात बताना चाहूँगा कि जन शिक्षण संस्थान पूरे देश में 300 जिलों में कार्यक्रम है, उसमें से एक जन शिक्षण संस्थान है नासिक, सिरडी के करीब नासिक है। नासिक के जन शिक्षण संस्थान में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स के लिए व्यवस्था की गई स्पेशल केस में और ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया, यही ब्यूटी एंड वेलनेस के कोर्स में जो आज हम जिसकी ट्रेनिंग करने जा रहे हैं, तो वो जो ट्रांसजेंडर स्टूडेंट है उन्होंने अपना एक बड़ा सलून बनाया है जन शिक्षण संस्थान की तालीम लेने के बाद और वो अब खुद आत्मनिर्भर है और उन्होंने दूसरे लोगों को नौकरी दी है कि हम आपको नौकरी दे रहे हैं, आप नौकरी पर आई, आपको जॉब दे रहे हैं। उन्होंने दूसरों को जॉब दी और उनका इतना अच्छा काम आज की डेट में चल रहा है कि अभी कुछ ही रोज पहले भारत के कुछ चुनिंदे जो सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हैं, जिनको हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपना व्यवसाय खुद प्रस्थापित किया है और खुद ही स्टार्ट किया है, उनमें से वे व्यक्ति भी एक थे जिनका वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने खुद इंटरव्यू लिया है, यानी अमेरिका में बैठकर वर्ल्ड बैंक के चेयरमैन ने उस ट्रांसजेंडर व्यक्ति जो नासिक में है उनका इंटरव्यू लिया है
और उनसे ये प्रभावित हुए हैं कि इनके पास भी इस प्रकार का हुनर प्राप्त हो सकता है और इनका जीवन भी इस तरह से समाज के सभी वर्गों के साथ जुड़कर चल सकता है। ये एक बहुत बड़ी मिसाल हमारे देश में कायम हुई है जन शिक्षण संस्थान नासिक के। तो मैं आप लोगों से भी निवेदन करता हूँ कि यदि आप भी कुछ ऐसा करना चाहें, आपके अपने स्रोतों से आप कोई ऐसा ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहें तो हम आपकी अवश्य मदद करेंगे और आपको अवश्य साथ देंगे, इस बात का मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ। जो हमारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये 3 माह का ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इसका एक निश्चित रूप से सिलेबस सरकार द्वारा तैयार किया जाता है। तो उस सिलेबस के माध्यम से हमारे जो टीचर हैं वो आपको सिखाएंगे और वो जो तालीम आपकी होगी उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में आपको दूसरे एग्जामिनर आएंगे, पूछेंगे, आपको क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो आपने जर्नल्स में लिखा होगा वो देखेंगे, जो प्रैक्टिकल्स आप फिजिकली करेंगे वो देखेंगे, उसके बाद आपको आपकी रिजल्ट डिक्लेयर होगा, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो ये एक सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क में हम काम करते हैं। तो दूसरी कई ऐसी संस्थाएं हैं आसपास, यहाँ भी होंगे, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए होंगे, आप पोस्ट कर देंगे, वैसा पोस्ट कर देंगे, ये कर देंगे, लेकिन दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ ऑथेंटिसिटी। उनके पास कोई ऐसे ऐसा वो नहीं है कि वो आपको ये प्रमाण कर सके, कि आपको इस प्रकार का प्रमाण पत्र दे सके कि आप इस हुनर में अब हुनरमंद हैं और आप अपने आप पर, अपने बलबूते पर अपना व्यवसाय खुद शुरू कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है हमारी दोनों संस्थाओं की, विशेषता ये है कि हम ये आपको प्रोवाइड कर रहे हैं और इसका आपको लाभ लेना है। जो ये आप कोर्स कम्प्लीट करेंगे उसके बाद आप गवर्नमेंट की किसी भी स्कीम में जाके जुड़ सकते हैं। जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से आप प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से लोन ले सकते हो, आप दूसरे जो सरकार की योजना है उसके माध्यम से लोन ले सकते हो, आप छोटे छोटे साधन अगर आपको कोई खरीदते हैं तो आप उसके लिए भी अपने आप को तैयार कर सकते हो, उसके लिए भी सरकार की जो योजनाएँ होती है वो आपको लाभ डायरेक्ट रहेगी। हमारे यहाँ लीड बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा, वो बैंक स्पेशली सिर्फ इन लोगों के लिए बनी है कि जो छोटे लेवल के ऊपर अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं, अपना एक स्वरोजगार बनाना चाहते हैं, वो उसके उसका लाभ ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी आगे मिलती रहेगी। तो मेरा सभी से ये निवेदन है कि आप ये जो टाइमिंग डिसाइड किया है हमारे कमेटी मेंबर्स ने, जो आपके और हमारी टीचर मैडम जो हैं वो आपको जो ट्रेनिंग कराएंगी, वो सब अपने आप में पूरी तरह से जिम्मेदारी के साथ आप आए। अब एक और बात भी मैं कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट की तरफ से कई चीज़ें नई नई भी आती हैं और उसके ऊपर भी हम काम करते हैं। तो मेरी थोड़ी सी बात शायद हुई थी हेमा बहन से कि हम लोग अब अटेंडेंस के लिए, मैं भी तो लाया हूँ जो हम लोग अटेंडेंस शीट होती है वो, लेकिन शायद हम यहाँ मशीन भी रखेंगे अटेंडेंस का, तो आप सबको उसमें थंब लगाना होगा। जो स्टूडेंट्स हैं वो आते और जाते उसमें थंब लगाएंगे तो उसका रिकॉर्ड हमारे ऑफिस में भी आ जाएगा और हमारी हायर अथॉरिटी के ऑफिस में भी चला जाएगा। जैसे ये डोर पे अगर हम यहाँ पर कहीं लगा देंगे वो, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो पूरी की पूरी वहाँ चली जाएगी। तो उससे भी ऑथेंटिसिटी हमारे काम की बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारी बढ़ती है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो लोग हैं, जो सचमुच काम करना चाहते हैं, वो ही लोग इसमें आगे आएँ, जो लोग सचमुच कुछ करना चाहते हैं, ताकि सरकार की तरफ से जो हम ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं उस फैसिलिटीज का पूर्ण रूप से सभी लोगों को लाभ मिले। तो ये चीज़ के लिए खास मेरी सबसे निवेदन है। तो आप सबसे मेरी शुभकामनाएँ हैं और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप इस प्रकार की कोर्स में जुड़े हो और आगे भी आप इसे करते रहेंगे, और कोई भी आपकी समस्या हो, कोई पर कोई आपका कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप हमें कभी भी, मुझे, हेमा बहन को, प्रकाश भाई को, भावना बहन को कभी भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो ये आपके लिए फोरम हमेशा खुला ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। रियाज पटेल रिपोर्ट, S9 न्यूज़, भरूच।